समस्याओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी आपको जो खुली नालियाँ हैं वो मिल जाएंगी, और इस लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर खास लोगों का विवेक विहार का इलाका आता है और साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ी का भी इलाका आता है। कुछ मुझे महिलाएं दिख रही हैं जो स्कूल से बच्चों को लेकर आ रही हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताइए कि क्या समस्याएं क्या हैं इस इलाके की, किसको वोट देती हैं? एक्चुअली मैं बाहर नहीं निकलती, मैं घर में ज़्यादा रहती हूँ। घर में रहती हैं तो घर में क्या समस्या आती है? घर में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पानी बिजली नहीं, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुबह शाम पानी आता है, हाँ थोड़ा बहुत गंदा आता है लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत आता है फिर उसके बाद साफ हो जाता है। कुछ और यहाँ पर मुझे दिख रही हैं महिलाएं जो धूप सेकती नजर आ रही हैं, क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, क्या समस्या क्या है? बीजेपी का, बीजेपी को वोट देंगी सीधा, मुद्दे परेशानियाँ क्या है? कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी बीजेपी क्यों देंगे अपनी खुशी आपकी। अच्छा देंगे, अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा हाँ जी, तो बीजेपी को वोट देंगे। आंटी आप बताइए कि क्या परेशानियां क्या है यहाँ, 15 साल से बीजेपी, देखो पार्क वार्क कितने गंदे हो रहे हैं। अच्छा पार्क गंदे हैं, सड़कें देखो गलियां ये सब टूटी पड़ी हुई है, देखो कह रहे हैं साफ सफाई तो हो गई बहुत ज्यादा, अब पता चलेगी आगे क्या होगा, अब की देखेंगे एक बार उनको देखा अभी एक बार इन्हें देखेंगे। मैंने जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग देखे हैं, उस पे लिखा है दिल्ली सरकार केजरीवाल की, वो सरकार केजरीवाल के पार्षद, बहुत बड़ी समस्या है। इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा, मैं ज्ञानी बुद्धिमानी नहीं हूँ। क्या समस्या है? समस्या केजरीवाल की सरकार केजरीवाल के पार्षद, इतना बड़ा तानाशाह, इतना बड़ा खुलेआम लिख के दिखा रहा है लोगों को, तो समस्या बताइए ना, समस्या इलाके की होगी कि उन्हीं के पार्षद ताहिर हुसैन साहब दंगा फसाद वो फैलाते हैं, उनके ही कई उनके सॉरी राजनीतिक, देखिए राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है।